नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सच। जो बीजेपी 2022 में जीत के लिए दिन रात एक किए हुए है, उसके अपने एक नहीं दो नहीं डेढ़ दर्जन मंत्री सपा में शामिल होने को तैयार है, ये दावा किया है सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। जी हां दोस्तों, राजभर का ये कहना है कि सब कुछ तय हो चुका था। 22 नवंबर को सपा में ये सारे नेता शामिल होने जा रहे थे, बस आचार संहिता के कारण कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, नहीं तो योगी जी के सारे मंत्री सपा में आ गए होते, यानी कार्यक्रम चला है, ये कभी भी सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो राजभर ही जाने, लेकिन बीजेपी में हालात तो कुछ ऐसे ही है। बीजेपी में भीतर खाने नाराजगी की बात पहले भी सामने आती रही है, ये भी कहा जाता रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर इस बार कई मंत्रियों तक के टिकट पार्टी काट सकती है। तो क्या ये वही डेढ़ दर्जन मंत्री हैं जिन्हें इस बात की भनक लग गई कि पार्टी उन्हें इस बार साइडलाइन कर देगी, उससे पहले ही पाला बदल लिया जाए। बीजेपी के कई नेता विधायक एन चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं, गुटबाजी की बात तो सबको पता है। तो क्या जिनके गुट कमजोर हैं वो दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं? राजभर के इस दावे ने इस बात के संकेत तो दे ही दिए हैं। राजभर वैसे भी अपने खुलासे और बयानों से बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। झांसी में अखिलेश को पूर्वांचल से 150 सीट दिलाने के ऐलान के बाद अब योगी सरकार के डेढ़ दर्जन मंत्रियों के सपा में शामिल होने की बात करके राजभर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।